فبأي آلاء ربكما تكذبان. उसके लिए जीना सीखो जिसने जीना दिया है, उसके लिए मरना सीखो जिसने मरना अपने हाथ में रखा है, उसकी खुशी पर अपनी खुशी कुर्बान करो, इसका मजा चखो। गुस्सा निकालने का मजा तो रोज चखते हो, गुस्से को बर्दाश्त करने का मजा चखो या अल्लाह तेरे लिए। इज्जतों को ढूंढने के मजे लेते हो, जलील होने का मजा लेके देखो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। बदला लेने का मजा चखते हो ना, माफ करने का मजा लेके देखो अल्लाह के लिए। एक तो आपके घर जन्नत बन जाएंगे, घरों में टेंशनें फैली हुई हैं, कोई बड़ी वजह नहीं है, सिर्फ माफ करना नहीं आता, दरगुजर करना नहीं आता, झुकना नहीं आता, ना कोई जायदादों के मसले हैं और ना कोई बहुत बड़े झगड़े हैं, सिर्फ झुकना नहीं आता, माफ करना नहीं आता, सहना नहीं आता, दरगुजर करना नहीं आता, और कोई लड़ाई नहीं। मुझे तो जिंदगी 1982 से मैं यूरोप में आ रहा हूँ और अपने मुल्क में भी देख रहा हूँ जो घरों में आग लगी है, खानदान बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, कहीं कहीं कोई जेन्युइन मसला होता है, कोई जायदाद है या कोई बड़ा झगड़ा है, लड़ाई है। हर जगह वैसे नाक का मसला है कि मैं नीवा नहीं पह सकता। तुम अल्लाह को बीच में लाओ, फिर या अल्लाह ये देख मैं तेरे लिए जलील हो रहा हूँ, फिर इसका मजा लेके देखो। हाय हाय, इस जिल्लत में भी वो मजे हैं कि सारी इज्जतें कुर्बान हो सकती, इस माफ करने में वो मजे हैं कि सारे बदले कुर्बान किए जा सकते हैं, इस खर्च करने में वो मजे हैं कि सारे बैंक बैलेंस उस पर कुर्बान किए जा सकते हैं। पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासर, गम के सहने में भी कुदरत ने मजा रखा। ख्वाहिश पूरी करने की लज्जत है, अल्लाह के लिए ख्वाहिश को कुर्बान करने की लज्जत, पर करोड़ों लज्जतें कुर्बान की जा सकती, जैसे अपनी मन की मुराद पा लेने की लज्जत है, अपनी मुरादों को अल्लाह के लिए खो देने की लज्जत उससे करोड़ों गुना ज्यादा। ये लज्जत आपको जन्नत में नहीं मिलेगी। रातों को उठ के अल्लाह के सामने रोना, जरूरतमंदों की जाके मदद करना, अल्लाह के लिए जलील हो जाना, अल्लाह के लिए छोटा पड़ जाना, अल्लाह के लिए माफ कर देना, ये जन्नत में कहां मिलेगा? जो कि हम अपने लिए जीते हैं, ना हमें खर्च करने का सलीका है ना माफ करने का सलीका। अपने लिए जीना कोई जिंदगी नहीं है, जीना है तो उसके लिए जियो जिसने जीना दिया है, मरना है तो उसके लिए मरो जिसने मरने का इख्तियार अपने हाथ में रखा। Oh.